नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहते हैं, एबीपी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति की आवश्यकता है। आरएसपी में सुरक्षा संस्कृति को सशक्त बनाने हेतु परियोजना जागृति जारी। और एचआरडी केंद्र में संप्रेषण एवं प्रस्तुतीकरण दक्षता पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। 4 जुलाई को सीपीटीआई में आयोजित तालमेल आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ एक खुली चर्चा का 6वें सत्र में संबोधित करते हुए आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्विनी कुमार ने कहा, एबीपी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति की आवश्यकता है। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री सुभेंद्र दास, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री परमानंद साहू, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रवाल ने भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ मंच पर उपस्थित थे। प्लांट के अनेकों महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आरएसपी के विभिन्न विभागों से कुल 60 अधिकारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अप्रैल में 95% एबीपी लक्ष्यों की उपलब्धि पर प्रशंसा व्यक्त की, फिर भी उन्होंने मई एवं जून में अचानक आई मंदी पर अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कुमार ने संकट काल में प्रदर्शित आरएसपी में विद्यमान अंतर्निहित क्षमता की सराहना करते हुए आरएसपी कर्मी समूह से उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने, लागत को कम करने के प्रति कार्य करने तथा न केवल एबीपी लक्ष्यों को हासिल करने बल्कि बाजार में बने रहने के लिए निष्पादन स्तर में स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने संचालन क्षमता लाने के संबंध में व्यापक और व्यवस्थित रखरखाव, उपकरणों के लिए संपूर्ण योजना तथा उपकरणों की विश्वसनीयता बेहतर रखने के लिए मूल कारण का विश्लेषण करने, बर्बादी को कम करने तथा निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया। आरएसपी कर्मी समूह की अंतर्निहित क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए श्री कुमार ने आरएसपी को एक लाभदायक इकाई बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपस्थित सभी से उचित दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति के साथ अतिरिक्त प्रयास करने का आग्रह किया। इसके बाद विचार विमर्श सत्र में विभिन्न विभागों से आए अनेकों कार्यपालकों ने आगे आकर अपने विचार एवं सुझाव व्यक्त किए। सीईओ एवं कार्यपालक निदेशकों ने कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की एवं आश्वस्त किया कि प्रत्येक साध्य समाधान को कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शीर्ष प्रबंधन के साथ युवा कार्यपालकों के बीच सीधी संचार चैनल स्थापित करना है, जो कार्य योजना के कार्यान्वयन स्तर पर है और प्लांट के निष्पादन में सुधार लाने से संबंधित उनके सुझावों पर चर्चा करना है। यह कार्यक्रम प्रति माह आयोजित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य प्लांट की सभी गतिविधियों को मजबूत बनाना है। सीपीटीआई के उप महाप्रबंधक श्री सागर महांती ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट में सुरक्षा चक्रों की दक्षता में सुधार तथा सुरक्षा संस्कृति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक संचार पहल जागृति का शुभारंभ किया गया था। आरएसपी के सीईओ श्री अश्विनी कुमार के मार्गदर्शन में सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा परियोजना को अभिकल्पित एवं कार्यान्वित किया गया। जून 2017 के महीने में 21 सत्र आयोजित किए गए एवं विभिन्न विभागों के 465 कार्मिकों को इसमें शामिल किया गया। इसके प्रारंभ से अब तक 85 सत्रों में कुल 5042 संभागियों ने भाग लिया। उप महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा इंजीनियरिंग एवं अग्निशमन सेवा श्री एस आचार्य,
उप महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरी श्री एससी महांती एवं उनकी टीम द्वारा सत्रों का संचालन किया गया। उल्लेखनीय है कि परियोजना जागृति के सत्रों का आयोजन बुधवार को छोड़कर सप्ताह के प्रत्येक दिन किया जाता है ताकि समूचे प्लांट के सुरक्षा चक्रों के सभी सदस्यों को इसमें शामिल किया जा सके। विभिन्न सुरक्षा चक्रों के कैप्टन एवं सदस्यों को एक मंच पर लाने का यह एक प्रयास है जिसमें वे अपने अनुभवों पर चर्चा करें और शून्य दुर्घटना के उद्देश्य प्राप्ति हेतु नए उपायों की खोज करें। एचआरवी केंद्र में 28 एवं 29 जून को संप्रेषण एवं प्रस्तुतिकरण दक्षता पर एक दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। आरएसपी के विभिन्न विभागों से S3 से S11 स्तर के कुल 12 कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की संप्रेषण कला, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के मूल तत्व, प्रस्तुतिकरण तैयारी पर जानकारी एवं प्रस्तुतिकरण पर प्रायोगिक सत्र शामिल किया गया। सत्रों का संचालन प्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री अभिनव शर्मा, प्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री ए कुमार, सहायक प्रबंधक पीपीसी श्री ए के जेना और एसएमएस 2 के एसओटी श्री डी के महांती एवं श्री डीपी दास ने किया। प्रारंभ में कनिष्ठ प्रबंधक एचआरडी श्री एस के बेहरा ने उपस्थित कर्मी समूह का स्वागत किया एवं कार्यक्रम का रूपरेखा प्रस्तुत किया। श्री बेहरा ने एचआरडी केंद्र के ओसीटी श्री डी बी पुरन के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। और अब एक विशेष घोषणा, सीवीसी परिपत्र संख्या 4/3/2017 दिनांक 14 मार्च 2017 के अनुसार सेल निगमित सतर्कता ने सभी कर्मचारियों, उनके परिवार वर्ग, विद्यार्थियों एवं नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता में व्यापक सहभागिता हेतु सत्य निष्ठा का संकल्प ग्रहण कराने की पहल की है। कोई भी व्यक्ति सत्य निष्ठा का संकल्प ग्रहण करने के लिए सेल पोर्टल, आरएसपी इंटरनेट या सीवीसी वेबसाइट लिंक के माध्यम से पंजीकृत करा सकता है। उल्लेखनीय है कि यह पहल सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के विषय सत्य निष्ठा को प्रेरित करना एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनता की सहभागिता पर आधारित आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। सत्य निष्ठा संकल्प में भाग लेने वाले नागरिकों को प्रतिबद्धता की ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। और इसी के साथ हिंदी समाचारों की यह श्रृंखला यही समाप्त होती है। नमस्कार।